गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी? हाँ, अनिल कुमार मंडल आज यहाँ पे आ गए। एक मिनट, मैं पंखा बंद कर देता हूँ। हाँ जी, कौन कौन आ गए भाई? एक मिनट, देखते हैं। अरे यार, आज क्या हो रहा है? पूजा, शोभना, रेनू, राजकुमार, अनिल कुमार, मंडल सर, आपकी पिटाई हो जाएगी। आप फ्री वाली क्लास में वहाँ पे क्यों जाते हैं? वहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो पेड क्लास होती है ना, जो अभी ले रहे हैं, इसके अंदर आप हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। और लेकिन फ्री वाली क्लास के अंदर आप हमसे लाइव चैट नहीं कर सकते, वो रिकॉर्डेड वीडियो होती है। तो किसी भी दोस्त को अगर लाइव चैट करनी है तो वो आप पेड कोर्स में आके ही क्लास लिया करें। जी, मनोज कुमार, MRRP, आकाश, कमल, सुप्रिया, गीता, वंदना, चंदा कुमारी, चंदा सिंह, प्रीति मिश्रा, अभिषेक, बहुत दोस्त आ गए भाई, अंशु, गायत्री, काफ़ी दोस्त आ गए, मनोज कुमार जी। सभी दोस्तों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग जी। आज हम करने वाले हैं अपना टेस्ट। और दोस्तों, जिस जो भी दोस्त ZRF करेगा ना, उनको हम कहाँ पे लेके जाएंगे? राफ्टिंग करने चलेंगे, ठीक है ना? जिस भी दोस्त का ZRF होगा, हम राफ्टिंग करने चलेंगे। कौन कौन चलेगा? सभी चलेंगे ना जी। देखते हैं किस किस का ZRF होगा और कौन कौन चलेगा, बताइए। वाह, कौन कौन चलेगा जिसका ZRF होगा? हाँ जी, चलिए। और ऐसे गिरोगे तो क्या होगा? ऐसे गिर जाओगे, फिर डर नहीं लगेगा? जी चलिए, कोई बात नहीं, हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया जी। मैं चैट ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से। हाँ जी, बताइए दोस्तों, बताइए। मनोज कुमार, गायत्री, अच्छा ये चलेंगे, सभी चलेंगे। नवीन कुमार जी, ZRF लेके आइए, जरूर लेके चलेंगे, आप सभी दोस्तों को लेके चलेंगे जी। बताइए, चंदा कुमारी ने एक का दो दिया, आकाश, अनिल कुमार, सुपीरिया, गायत्री, वीना, फहमीदानाज, मनोज कुमार, अभिषेक, ज्योति, पूजा, रश्मि, राजकुमार जी। सभी दोस्तों ने वन का वी आंसर दिया है। जैन क्लब, आकाश, नवीन कुमार, हाय, वन का वी आंसर दिया है। और दोस्तों, मेरे रूम के अंदर ना अभी फैन बंद है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा फैन चला के देखता हूँ, आपको ज़्यादा शोर तो नहीं आएगा? अगर ज़्यादा शोर आए फैन का तो बता देना, मैं फैन बंद कर दूंगा जी। विनोद कुमार, दीपशिखा, विक्रम, श्रुति जी, सभी दोस्तों का बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एडुटेनमेंट होना चाहिए जी, बिल्कुल सही है, एडुटेनमेंट, जिसके अंदर एजुकेशन भी होनी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए जी, बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, लेपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से संप्रेषण को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन बाय न्यू मीडिया सच एज कंप्यूटर, टेलीस्कोपिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी इज टर्म्ड एज, इसको क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर टू का बताइए। मनोज कुमार, ज्योति, काजला, फहमीदानाज, जैन क्लब, टू का वी आंसर आना स्टार्ट हो गया। अनिल कुमार मंडल, गीता पांडे, सबरीन वानो, पूजा, अभिषेक, गायत्री, अंशु, श्रुति, मनोज कुमार, कॉमर्स ट्यूटोरियल, विनोद, अर्जुन लहट, टू का बी आंसर दे रहे हैं सभी दोस्त। रश्मि कुमारी, वंदना, राजकुमार, केवी शर्मा, सुप्रिया जी, इसको क्या कहेंगे जी? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। लिंगा सर, क्वेश्चन नंबर लिखिए, आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे। चलिए, इसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर भी बी आएगा, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जो भी टीचर है हमारे साथ उसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो न्यू मीडिया को क्या कहेंगे? इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। सर जी, चैप्टर 9 करवाते सर जी, क्या कह रहे हैं आप? श्रुति सिंह, मैं समझ नहीं पाया। दिलीप कुमार जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीफोन निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? टेलीफोन कम्युनिकेशन है, वो क्या है? रेखीय कम्युनिकेशन है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? रेखीय कम्युनिकेशन है, रेखीय यांत्रिक, रेखीय मतलब वन वे कम्युनिकेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, रेखीय मतलब है सर्कुल, टू वे कम्युनिकेशन, रेखीय मतलब है टू वे कम्युनिकेशन, अरेखीय वन वे कम्युनिकेशन, और बोल ये पता नहीं बोल कैसा है, यांत्रिक
होता है यांत्रिक, ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए और बी में से एक आएगा, बताइए क्या होगा, टू वे है या वन वे है, ये बताइए। थ्री का ए आंसर आ रहा है। दीप शिखा सुप्रिया चंदा गीता पांडे सुबरिन बानो जी लिंगा ने भी ए दिया है। रश्मि विनोद कुमार टू वे कम्युनिकेशन जी, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर भी बिल्कुल सही है, इसका टू वे कम्युनिकेशन होगा। और हमने आपको बताया था ना क्लास के अंदर वन वे टू वे कम्युनिकेशन किस तरह का होता है, फीडबैक जो होता है ना वो टू वे कम्युनिकेशन के अंदर होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फीडबैक में से पहले काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा संचार को सामान्यतः समझा जाता है, ये बताइए। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसाइडर एज इफेक्टिव अफेक्टिव कॉग्निटिव नॉन सिलेक्टिव, ये क्या होगा, प्रभावशाली भावात्मक संज्ञात्मक अचयनित। फोर का सी फहमीदा नाज, सर जी मैराथन क्लास नहीं करवाते सर जी, करवाते तो है श्रुति जी, आप पता नहीं क्या कंफ्यूज हो रहे हैं आपके अंदर। किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट जरूर करना। स्वाति ज्योति आकाश विन अनिल कुमार चंदा मनोज सुप्रिया आकाश मनोज जैन गायत्री, काफ़ी दोस्तों ने इसका आंसर सी आंसर दिया है। अंशु शर्मा केवी यूनिक सॉन्ग सुरेश चंद्र रॉयल कंप्यूटर सुप्रिया जी, फोर का आंसर सी कॉग्नेटिव, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जी बिल्कुल सही है दोस्तों, कॉग्नेटिव होगा क्लासरूम कम्युनिकेशन। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों पहले काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया है, आगे भी इसके आने की संभावना है तो ध्यान रखना इसका। हाय मंदिर में अब हो गई आरती शुरू हो गई, क्या करें, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकेम ए डिकोडर व्हेन देयर इज ए, जब जब एनकोडर डिकोडर हो जाता है तो वहां पे क्या होगा, एक सर्कुलर कम्युनिकेशन के अंदर जब एनकोडर डिकोडर बन जाता है तो वहां पे क्या होगा। एनकोडर का मतलब है कि जो संदेश प्राप्त कर रहा है वो ही संदेश सेंड करने का काम करने लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वहां पे क्या होगा जी। सबरीन मानो फहमिदा अनिल कुमार गायत्री मनोज ने डी दिया है, चंदा सुपिरिया ज्योति जैन श्रुति आकाश दीपशिखा युक्ता ईशा अंशु धूपेंद्र अरुण आकाश विनीता रानी गीता पांडे लिंगा सर और अंशु शर्मा जी, 5 का डी आंसर दिया है फीडबैक जी, बिल्कुल सही। और एक दोस्त नहीं है ना इसके अंदर है, क्या वो क्या था, डोन था, काला डोन था ऐसा कुछ था ना, पिछली बार आया था क्लास के अंदर वो नहीं आए, काफी यार काफी दोस्त मिस हो जाते हैं, एक क्लास लेते दूसरी लेते नहीं है लाइव क्लास। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर आंसर नंबर 4 आएगा। यार आज तो कोई गलत तो बता ही नहीं रहा, कोई पिटने वाला आया ही नहीं आज, आज किसकी पिटाई करे, जबरदस्ती तो किसकी करे जी। इसे बताइए, शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में क्या है, ये बताइए। शिक्षक संदेश भेजता है बच्चों को और बच्चे उनको संदेश ग्रहण करते, तो बच्चे क्या कहलाएंगे, विद्यार्थियों को हम क्या कहेंगे, एनकोडर डिकोडर एजिटेट प्रोपेगेटर्स क्या कहेंगे जी। 6 का बी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। बबीता नहीं, काफी दोस्त नहीं है जी, पूजा यादव आकाश जागवीर ज्योति अनिल कुमार केवी शर्मा, काफी दोस्तों ने बी आंसर दिया है इसका। विनीता रानी कॉमर्स ट्यूटोरियल चंदा गीता मधु राजकुमार दीपशिखा लिंगा जी अभिषेक राहुल काम्बले यूनिक स्टडी हर्षित शर्मा रॉयल कंप्यूटर जी, 6 का बी आंसर है डिकोडर जी, देखते क्या आंसर है इसका जी, बिल्कुल सही है डिकोडर आंसर है इसका। दोस्तों एनकोडर और डिकोडर ये दोनों चीज हमें पता होना चाहिए, इनमें से भी पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एनकोडिंग वो होता है जो संदेश हम किसी को भेजते हैं तो उसको हम अपनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, अपनी भाषा में कन्वर्ट करके आगे भेजते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एनकोडर कहते हैं। और जो संदेश हमारे पास आता है उसको हम अपनी भाषा में समझते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकोडर्स कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। हाँ जी काफी दोस्त नहीं आए जी, गायत्री मंत्र जी दीप्ति कुमारी बी का 6 का बी आंसर है जी आएगा। विक्रम ईयर भी बता दो सर, युक्ता जी ईयर इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये ध्यान में नहीं है सर कब आया था
जी अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम इसको, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं जी। सॉरी सर, मैं अभी क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, मैं किचन में खाना बना रही हूँ। ओहो, कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेना। इसका बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट आएंगे ये हमें देखने हैं दोस्तों। एटीट्यूड सर्वे, किसी के एटीट्यूड को जान के हम पता लगा सकते कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कैसा है, ये बताइए। परफॉर्मेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, क्या आएगा इसमें से? 7 का भी आंसर। सबरीन बानो जी, क्वेश्चन का आंसर बताइए। 7-7 लिखा आपने। फहमीदा नाज, अनिल कुमार मंडल, आकाश, जागवीर, ज्योति, काजला, चंदा, मनोज कुमार, बना लो बिना जी, हमें भी खिला देना जी। बिल्कुल सही। शोभना नारायणा, प्रीति, दीप्ति, अंशु, अभिषेक, श्रुति, राजकुमार, वंदना, मनोज कुमार जी। 7 का बी और डी आंसर दिया है, रश्मि कुमारी ने डी आंसर दिया है इसका। देखते क्या होगा। विनोद कुमार ने भी डी दिया है, पूजा यादव ने डी। अब देखो, अब डी आने स्टार्ट हो गए। हाँ, पहले बी थे, काफी दोस्तों ने बी दिया, अब डी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सिवरिन बानो, लिंगा, लिंगा सर, लिंगाला, लिंगाला है, सॉरी जी। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा। हा, एबीसी देख लीजिए, जिस जिन्होंने इसका आंसर डी दिया है उनकी पिटाई होगी और उनकी ट्रिप कैंसिल होगी भाई, आपको नहीं लेके जाएंगे राफ्टिंग करने के लिए, आपको नहीं लेके जाएंगे। और जिन्होंने बी आंसर दिया है वो अपने अपने बैग तैयार कर लो, है ना, अच्छी बात है ना। देखिए ध्यान से, ए बी सी और जो डी है, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा या नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन दोस्तों हम टीवी से भी कर सकते हैं और उससे काफी अलग अलग माध्यम से कर सकते हैं, ये माध्यम पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकता, ये ज्यादा डिपेंड करता है एटीट्यूड पे, परफॉर्मेंस पे और स्टूडेंट की अटेंडेंस पे डिपेंड करता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन आया हुआ है, अंशु वर्मा जी, क्यों सर प्लीज एक्सप्लेन जी। मैंने एक्सप्लेन किया आपको, अगर स्टूडेंट के व्यवहार में चेंज आएगा, अगर देखिए हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और सभी स्टूडेंट क्या ऊब रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे यही पता चल जाएगा ना कि ये हमारा जो कम्युनिकेशन करने का तरीका वो इफेक्टिव नहीं है। तो स्टूडेंट की अटेंडेंस से भी पता चल जाएगा, एटीट्यूड से भी पता चल जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर आना स्टार्ट हो गया। डी डी डी, गायत्री, फहमीदा, आकाश, वीना, वंदना, सुपीरिया, जेन, आकाश, दीपशिखा जी, अरुण, मिताली वर्मा, ये शायद लेट आए, मिताली वर्मा, पूजा यादव, अभिषेक, अंशु वर्मा, जागवीर सिंह, डी आंसर दिया है और इन्होंने ए आंसर दिया है, अभिषेक कुमार ने ए आंसर दिया है। देखिए, औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल, ये बताइए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, और आर जो रीजन दिए इसका, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो क्या आएगा इसका, क्या आएगा जी। डी आंसर आ रहा है, मनोज कुमार, कमल, गीता, युक्ता, युक्ता, रश्मि, मनोज, नो सर जी। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, और ज्यादातर दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये देखिए क्या है, अब देखें क्या आएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 मिनट, इंग्लिश में, हिंदी में और देख लेते हैं, हिंदी वाला सही है दोस्तों, बिल्कुल सही, आप सभी दोस्तों ने हिंदी का जो आंसर है ना वो सही है दोस्तों, हिंदी वाला सही है, इंग्लिश का गलत है। इंग्लिश का जो आंसर है आंसर नंबर 2 ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आर ए सत्य, देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा क्या है, फास्ट एंड फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, लचीला नहीं होना चाहिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर एक अधिकारी अपने नीचे स्तर के व्यक्ति से बात करता है, और वहां पे क्या है कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, वहां पे कोई मजाक नहीं होता, कोई हंसी
मजाक की कोई बातें नहीं होती वहां पे, जो भी बात होती है सीरियस बात होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन दोस्तों लचीला नहीं हो सकता और ना ही वो फास्ट एंड फ्लेक्सिबल हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इसका जो दिया हुआ है तर्क, जो दिया हुआ है अभिकथन, ए जो है वो गलत होगा और आर सही हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर इसका बिल्कुल सही है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। जी गायत्री जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही है जी, आप सभी का फोर सही है सर। इंग्लिश का देखकर आश्चर्य हुआ। हाँ जी सर, इंग्लिश का देख के तो मैं भी चकरा गया था कि आंसर नंबर टू कैसे हो सकता है, लेकिन हिंदी में सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनिल कुमार मंडल सर, आपका नाम ले तो रहे, कितनी बार लिया है सर हमने। कुमारी विनीता, गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट। घूसा लगेगा तुम्हें, सॉरी फॉर लेट। एग्जाम के अंदर जाके कह देना सर मैं लेट हो गई, आधे घंटे बाद जाना, देखेंगे बैठने देंगे या नहीं देंगे वो जी। नाइन का वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है जी, वेरी गुड। इसमें देखेंगे किसका आंसर सही है जी। जेन क्लब, आकाश, गायत्री, चंदा, अनिल कुमार, अभिषेक, सुपीरिया, नवीन, मनोज कुमार, सवरीन बानो, फहमी दनाज, जागवीर, आकाश, पूजा, अरुण, ईसा, गायत्री, दीपशिखा, अंशु, राहुल। ये क्या है, दबंग दबंग कौन है सर? यादव ही नाम लूंगा मैं आपका तो, दबंग दबंग ये दाल गांजा सिंह, सॉरी सर नाम समझ में नहीं आ रहा आपका मेरे को, दबंग वो दबंग कहूंगा मैं आपको, ठीक है जी। नाइन का सी आंसर दे रहे, मनोज मलती, वंदना, विनीता रानी, गीता पांडे जी, बिल्कुल सही दोस्तों। पैरा लैंग्वेज आएगा इसका, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर सी आएगा, पैरा भाषा होती है। इसके अंदर क्या होता है कि वाणी के बजाय आवाज के पहलू, यानी कि आवाज का उतार चढ़ाव क्या है, उसी से हम पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरा लैंग्वेज कहेंगे जी, बिल्कुल सही है आप सभी दोस्तों का आंसर। आज यार एक खुशी की बात भी है और एक दुख की बात भी है। खुशी की बात तो यह है कि आप सभी दोस्तों के क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो रहे हैं, लगभग सभी दोस्तों के राइट क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। इससे पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और दुख की बात यह है कि आज किसी का गलत नहीं हो रहा यार, आज पिटाई नहीं हो रही किसी की, क्या करें क्या करें जी। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। फहमीदा, अनिल कुमार मंडल, सबरीन मानो, इन्होंने बी आंसर दिया है, और बी आंसर प्रीति मिश्रा हंस रहे हैं, अंशु वर्मा बी, लिंगा लिंगा ही कहूंगा आपको तो सर, जो भी नाम है, आकाश सिंह, मनोज, अभिषेक, विनीता, वो देखो दबंग एक बार आए थे फिर भाग गए दबंग, पता नहीं कहाँ गए। जैन क्लब, चंदा, वंदना, विनोद कुमार, 10 का बी आंसर दे रहे सभी दोस्त। रश्मि, अरुण, कमल, मेरा वीडियो लेट चला चल रहा जी, जिसका भी लेट चल रहा है वो लाइन को आगे सरकार लीजिए, एकदम लास्ट के अंदर ले आइए जी। हाँ अब आए हैं दबंग यादव, 10 का बी आंसर दिया इन्होंने जी। देखते इसका क्या होगा, एटीट्यूड, एक्शन, अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इज कंसाइडर एज नॉन वर्बल जी, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका आंसर टू होगा। जिस इसके अंदर देखिए दोस्तों, हम भाषा इत्यादि का यूज नहीं करते, इसके अंदर किसी व्यक्ति की एटीट्यूड को देख के, उसके कार्य करने के तरीके को देख के कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। पंडित जी भी नहीं है सर जी, बहुत से नहीं है। और अनिल कुमार सर, आपकी पिटाई कर दूंगा मैं, आप कहाँ थे, आज आ गए तो आप शहंशाह बन रहे हैं, आप भी तो फरी की क्लास में वहां पे जाते हैं, आप पेड क्लास में क्यों नहीं आते जब आपको कोर्स मिला हुआ है सर। अब तक मैं यूट्यूब पे थी, शारदा गुप्ता, हाँ ये देखो सभी सभी को कूटना पड़ेगा, जचा के कूटना पड़ेगा, ये इनको हजार बार बता चुका हूं मैं जी। चलिए मैं हूं जी, आ गए क्या आप वीना जी, चलिए घोषा लगाना। फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन करो सर, फोर्थ पॉइंट ई रिलेशन, असंगत है सर, असंगत इसमें, ये तो किसी भी तरह का कोई टाइप नहीं होता कम्युनिकेशन का जी। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास सत्र निर्धारित होता है, इन ए क्लासरूम ए कम्युनिकेटर
ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय, ये बताइए इसका आंसर, देखते हैं किसका सही होता है किसका गलत है। गायत्री मंत्र, सुप्रिया फहमीदा, गायत्री, दबंग सर, दबंग सिंह यादव सर, मैं तो दबंग ही कहूंगा, दल गांज, सॉरी सर मैं दबंग कहूंगा आपको, दबंग दबंग अच्छा नहीं लग रहा क्या, दबंग हुड हुड, दबंग 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 दबंग, क्या बात है सर, अरे कितना प्यारा नाम है सर आपका जी। अभिषेक, नवीन, सुप्रिया, धूपेंद्र, मनोज, राजकुमार, कमल, केवी, शोभना, वीना, अंशु, प्रीति जी, सभी दोस्तों ने इसका आंसर डी दिया है, मलती मिताली। अब देखिए एक है मिताली वर्मा और एक है मलती, ये देखिए कंफ्यूज करते हैं ये भी नामों के अंदर, मधु कुमारी, विनीता, दबंग, हाँ हाँ सुरेश जी, सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया दोस्तों, आई कॉन्टेक्ट जी, बिल्कुल सही है, आई कांटेक्ट, नजर मिलाने से विश्वास ज्यादा बढ़ता है। और हमने देखा है ना कि अगर कोई जैसे कोई चोरी करेगा, गलत काम करेगा, तो वो हमसे नजर नहीं मिला पाएगा, तो नजर मिलाने से कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है जी, बिल्कुल सही है, ये आंसर है। शहजादी जी कहाँ गए, शहजादी जी को मैं क्या बताऊं यार, क्या बताऊं उसको, मैंने कितनी सैकड़ों बार बता दिया, आज भी मैसेज किया, हर बार मैसेज करता हूँ, देखिए अनिल कुमार मंडल, सारिका, शहजादी, राहुल, सभी को मैसेज करता हूँ यार, कम से कम 150 स्टूडेंट को मैं मैसेज करता हूँ डेली, भाई आज क्लास है, आज क्लास है, आज क्लास है, नहीं ले रहे तो मैं क्या करूँ, मेरे को पीटो अगर नहीं ले रहे तो, मैं गलती कर रहा हूँ ना आप लोगों को बता के, भाई आज क्लास है जी। चलिए इसका बताइए दोस्तों, 12 का, युक्ता, युक्ता जी, 11 का डी, 12 का बताइए जी, युक्ता जी, गायत्री, मनोज, पूजा जी का गलत हो गया सर, पिटाई वाला मुर्गा मिल गया, हाँ जी हाँ जी, ये बच गए, पूजा का मैंने देखा नहीं जी, 12 का, चंदा, अनिल, जागवीर, सबरीन, ज्योति, काजला, नवीन, सुपीरिया, राहुल, प्रीति, अंशु, अरुण, हर्षित, सुपीरिया, जेन क्लब, 12 का डी आंसर, एंजल एंटरटेनमेंट, अरे भैया अरे कूटो रे इसको, कूटो सभी मिलके तोड़ो इसको, इसको कूटो, ये लेट आए कहाँ, एंटरटेनमेंट कर रहे थे, एंटरटेनमेंट छोड़ दो, ध्यान दे लो भाई साहब, एंजल एंटरटेनमेंट यहाँ पे ध्यान दे लो, ठीक है ना, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। मनोज जी आप क्वेश्चन पे फोकस करो जी, 12 का डी आंसर दिया है सभी दोस्तों ने, सर यदि कोई टूर जा रहा है तो हमको भी लेकर चलना जी, हाँ जरूर लेके चलेंगे, पहले जेआरएफ कीजिए आप। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा जी, बिल्कुल सही, सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही दिया, मधु कुमारी विक्रम जी, सभी दोस्तों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, मधु सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित में से किस पर तत्काल नियंत्रण रखता है, ये बताइए दोस्तों, किस पे वो इंस्टेंट इमीडिएटली कंट्रोल कर सकता है, ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा, स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धति एवं संदेश पे, श्रोता शोर और प्राप्ति पे, प्रतिपुष्टि पे, संप्रेषण के माध्यम पे, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं जी, चंदा, धूपेंद्र, प्रीति, अनिल कुमार, जागवीर, नवीन कुमार, कमल, सुपीरिया, सबरीन, गायत्री, लिंगा सर, मधु सिंह, बिरवल, बिरवल ये पता नहीं कहाँ खिचड़ी पकती रहती है इनकी, ये पता नहीं कहाँ खिचड़ी बनाते रहते हैं, लेट आते हैं एक तो, हर्षित, विनोद, श्रुति जी, सभी दोस्तों ने इसका आंसर ए दिया है। और दोस्तों एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई समझ में ना आए, एक्सप्लेन चाहता है या कोई भी दिक्कत है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करना दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर हमने ऊपर दिया हुआ, आप सभी दोस्तों को हमारा व्हाट्सएप नंबर पता है, तो आप हमें वहां पे कॉन्टेक्ट करना, ठीक है जी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, और अब देखिए बी भी आंसर दिया है, पूजा और मलती ने बी आंसर दिया है इसका, और दबंग सर ने भी बी आंसर दिया है इसका जी। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर ए आएगा दोस्तों,
आंसर ए आएगा इसका। देखिए कैसे आएगा, कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित में से किस पर तत्काल नियंत्रण कर सकता है? स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धति और संदेश पे। ये देखिए दोस्तों, सेल्फ सिलेक्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द कम्युनिकेशन। अब देखिए, जो कुछ भी बोल रहा है, अगर उसको ये लग रहा है टीचर को यार मैं तो गलत बोल रहा हूँ, तो उसी टाइम संदेश को रोक सकता है। इसी तरीके से जो उसने माध्यम चयन किया है कम्युनिकेशन के लिए, वो उसको भी स्टॉप कर सकता है। अगर उसको ये लगे कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो रहा, तो उसको भी स्टॉप कर सकता है। विना जी मजाक ले रहे हैं टूर की बात को लेकर। अरे सच्ची जाएंगे, सच्ची जाएंगे। हाँ जेआरएफ तो लेके आओ आप, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अच्छे कक्षा संप्रेषक के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने आप में क्या लेके आए। एक गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू बी नो योर। क्या होना चाहिए गुड कम्युनिकेटर के अंदर, क्या होना चाहिए क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर? जी बट नॉइज पे कंट्रोल नहीं किया तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात नहीं चल रही वहां पे। ये कह रहा है कि कौन से किस पे तत्काल कंट्रोल किया जा सकता है, टीचर के द्वारा किस पे तत्काल कंट्रोल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़िए आप, गलत पढ़ रहे हैं आप उसको, अच्छे से देखिए। जी, 14 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सबरीन बानो, फहमिदा, अनिल कुमार, ज्योति, अंशु, दबंग, मनोज, नवीन, जैन, बिरबल, हर्षित, चंदा, अरुण, केवी, श्रुति, सुरेश, जागवीर, बीना, और ये देखो रश्मि कुमारी ने डिलीट कर दिया अपना आंसर, बिरबल, जैन क्लब। जी 14 का आंसर सी और ए दे रहे हैं, सी भी है और ए भी है। सर मेरा नेटवर्क रुक जाता है। ओहो जी, डी आंसर भी आ रहा है, गीता पांडे ने डी दिया इसका आंसर, दीपशिखा ने ए आंसर दिया है। क्या है इसके अंदर? एक गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू बी नो योर। क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर गुड कम्युनिकेटर किसको कहा जाएगा? जिसको अपने ऑडियंस के बारे में जानकारी हो, साइलेंट क्यू के बारे में शांत संकेत को समझ सकता हो, क्या होना चाहिए उसके अंदर? चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में भी देख लेते ताकि गलत ना हो जाए। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, कलात्मक विराम, आर्टफुल पॉज। उसको पता होना चाहिए बोलते समय कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बोलना है। देखिए कई टीचर क्या होंगे क्लास के अंदर, वो बहुत तेज तेज बोलते हैं, तेज बोलते हैं, किसी को समझ में नहीं आता। और कई टीचर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्लो चलेंगे, बिल्कुल स्लो चलेंगे, वो भी बोरिंग करने वाले होते हैं। तो टीचर को पता होना चाहिए कहाँ पे उसे तेज बोलना है, कहाँ पे उसे कम बोलना है। उसे कलात्मक विराम के बारे में अच्छे से पता होना जरूरी है। जैसे कि एक चीज का एग्जाम्पल देता हूँ, हमारी रिसर्च की मैराथन क्लास हुई थी, उसके अंदर हमने स्पीड सी वीडियो चला रखी थी। तो लगभग कितने बताऊँ, 60 से 70% स्टूडेंट का मैसेज आया हमारे पास कि सर आप स्लो बोलिए, इतनी तेज स्पीड से मत पढ़ाइए। ठीक है, तो टीचर को पता होना चाहिए कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे तेज बोलना है, कैसे है। तो ये हमारे लिए काफी जरूरी है। सर आप डिनर करके क्लास लेते हो क्या? नहीं जी, डिनर तो करेंगे। अरे एक चीज बताऊं आप सभी दोस्तों को, एक चीज बताऊं, आज राज की बात बताऊं। चलिए मैं क्वेश्चन नहीं बताता, पहले राज की बात बताता हूँ। जब भी मैं लाइव क्लास लेता हूँ तो मेरे फैन वैन सब कुछ बंद हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, और आज पहली बार लाइव क्लास के अंदर मैंने फैन चलाया है। ठीक है, इतनी इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है मेरे को, क्या बताऊं मैं आपको। जी चलिए अगला बताइए दोस्तों। थ्री एक्सप्लेन कीजिए सर प्लीज। जी एक्सप्लेन कर तो दिया उसको, कर तो दिया जी एक्सप्लेन मैंने। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। सर आपका माइक बहुत अच्छा है। हा, माइक कोई है ही नहीं। हा। जी चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। इन ए क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इनहांस बाय। किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यानी कि देखिए कक्षा के अंदर स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा हमें किस तरह से सुन सकते हैं, ये बताइए।
किस तरह से सुन सकते हैं। 15 का ए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सर आप बहुत अच्छे से स्टडी कराते हैं, थैंक यू जी। आकाश, दबंग, अंशु, अनिल कुमार, जागवीर, सुरेश, चंदा, रश्मि, दुपेंदर, फहमिदा, मनोज, हर्षित, वंदना, वीना, राजकुमार, विनोद, नवीन जी। 15 का आंसर ए दिया है, सभी दोस्तों ने ए आंसर दिया है। व्यू पॉइंट, सर मेरा कभी नाम नहीं ले रहे, वंदना गुप्ता। ओहो जी, अब लेंगे जी, अब लेंगे जी। चलिए, दृष्टिकोण स्थापित करके स्टेबलाइजिंग ए व्यू पॉइंट जी, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए होगा दोस्तों। सर आपकी वॉइस, आओ इतनी अच्छी तो ना है मेरी वॉइस, मेरी वॉइस में के आवे भाई। जी बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए होगा। दृष्टिकोण स्थापित करके किसी चीज की ओर ध्यान केंद्रित करके, जैसे कि हम मान के चलते हैं क्लास के अंदर कोई स्टोरी लेके चलते हैं ना, स्टोरी के जरिए समझाते हैं उनको, एक चीज पे ध्यान केंद्रित कर देते हैं तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा हमारी सुनते हैं। अगर क्लास के अंदर भाषण की तरह पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं तो सभी बोर हो जाएंगे। तो क्लास के अंदर ऐसा होना चाहिए कि कोई दृष्टिकोण स्थापित करे, कोई स्टोरी सुनाए, उनको किसी चीज से बांधे, तभी वो अच्छे से हमारी बातें सुन पाएंगे। जी सर, फैन की आवाज नहीं है। सर आप बहुत ही परिश्रमी टीचर है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ एक बात बताइए, फैन की आवाज आ रही है क्या आपको? फैन की आ रही है क्या, बताना एक बार, चलो बता देना आप, फैन की आवाज बता देना। चलिए, नो सर, ओके 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 ओके। स्लो स्पीड पे चला रखा है, मंदी मंदी स्पीड पे चला रखा है, तेज पे चलाऊंगा ना तो आने लग जाएगी जी। पहली बार चलाया है लाइव क्लास के अंदर, पहली बार मैंने फैन चलाया है। और लाइव क्या, मैं हमेशा कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो फैन बंद करके बनाता हूँ, उससे बहुत ज्यादा नॉइज आती है जी। चलिए 16 का बताइए सर, नो फैन वॉल्यूम, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी। 16 का बताइए, 16 का सर नहीं दिख रहा, सर नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा। 16 का बताइए, निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी श्रवण के मूल कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग? इफेक्टिव लिसनिंग के कौन कौन से कारक है ये बताइए दोस्तों जी। 16 का डी आंसर आना स्टार्ट हो गया। रोहतास जी आपको नमन जी, थैंक यू जी, थैंक यू। थोड़ी हवा लेकर स्टडी करिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हा। सर आप ऐसे ही चलाना रिकॉर्डिंग, वीडियो में आवाज था जी। युक्त हो जी, सभी दोस्तों ने इसका आंसर डी दिया है। डी क्या आंसर है इसका? एनोलेजमेंट ऑफ थॉट, रिफ्लेक्शन एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, विचारों को स्वीकार करना, विमर्श और मुक्त प्रश्न पूछना जी। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। फैन की हवा आ रही है हमको, हा। जी चलिए, इसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक अच्छा लिसनर जो होगा ना, विचारों को स्वीकार करेगा, जो भी टीचर बोल रहा है सबसे पहले उनको सुनेगा, उसके बाद में विमर्श करेगा और खुले तरीके से बिल्कुल फ्री होके क्वेश्चन पूछेगा। पहले वो विचारों को सुनेगा, स्वीकार करेगा, अगर उसको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है लिसनर को, तो वो उसके बारे में विचार विमर्श करेगा और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल फ्री होके क्वेश्चन पूछेगा। तो ये लिसनर की खासियत होती है जी। स्क्रीन पर साफ नहीं आ रहा जी, स्क्रीन साफ नहीं आ रही, एक मिनट देखता हूं मैं। अरे स्क्रीन तो यार सही चल रहा है, चलिए कोई नहीं, हो सकता आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निकट में से क्या घट सकता है? अब ये बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो रिप्रोडक्शन इन ए क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट। अगर हम क्लास के अंदर बार बार ऑडियो सुनाए, बार बार किसी चीज को रिपीट करें, तो इससे विद्यार्थियों के अंदर क्या डिक्रीज हो सकता है ये बताइए दोस्तों, क्या डिक्रीज हो सकता है? किसी चीज को हम रिपीट करें, किसी चीज, कोई टीवी, टीवी पे कोई मान लो कार्यक्रम चल रहा है, वो बार बार दिखाए,
या कुछ चीज सुनाए बार बार, तो स्टूडेंट में क्या घट सकता है? 17 का ए, बोध में संज्ञानात्मक भार, रिस्पेक्ट, कॉग्नेटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। जी सर, यार आप तो नकल मार रहे हो भाई। सभी कितने क्वेश्चन है सर आज? जी 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। 16 का 17 का 17 का 17 का ए, अंशु, वंदना, चंदा, सुपीरिया, फहमिदा, गायत्री, मधु, फहमिदा, नीतू, अंकिता। सर ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, बहुत ब्लैक लग रहा है। ओहो, एक मिनट, ब्राइटनेस जी अब बढ़ा दिया। ब्राइटनेस बढ़ा दी। ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद कुछ इफेक्ट हुआ या नहीं, ये जरूर बताना आप सभी दोस्त कमेंट के अंदर बताना। कुछ अच्छी हुई है स्क्रीन, बताना जरूर। जी 17 का ए और सी आंसर दे रहे हैं। उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा, मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस। जी ये दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था हमारा, मैं बताऊं आपको, नवंबर 2017 में क्वेश्चन आया था भाई, नवंबर 2017 में आया था जी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आंसर है, एक आंसर है दोस्तों इसका। देखिए इसका मतलब क्या है, बोध में संज्ञानात्मक भार, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे, 2-3 बार रिपीट करेंगे, तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी स्टूडेंट को, स्टूडेंट बहुत जल्दी उसको समझ पाएगा। उसके ऊपर माइंड के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है ना, भाई यार मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो समझने की कोशिश कर रहा है किसी चीज को। अगर हम एक चीज को एक ही बार बताएंगे तो स्टूडेंट को ज्यादा मेहनत करेगी उसको समझने के लिए। अगर हम किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे, बार बार उसको बताएंगे, तो क्या है कि उसके दिमाग के ऊपर जो भार है वो कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बोध में संज्ञानात्मक भार, कॉग्नेटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, इसका राइट आंसर आएगा जी। अच्छा है क्या आप यार आप ना एक तो जवाब नहीं देते यार, एक दो ही जवाब देते हैं यार। बताओ आपके लिए कर रहा हूं यार, स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाने से क्या आपको पहले से बेटर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? यार आप ना अच्छे से नहीं बताते सर। एग्जाम सितंबर में फाइनल है क्या? जी होगा जी, अभी कुछ नहीं कह सकते, नेट और जेई के एग्जाम होने पे ही डिपेंड होगा। क्लियर है? क्लियर, ठीक दिख रहा है? हाँ सर क्लियर, सब बैटरी है सर, बहुत अच्छा, यस सर बेटर नाउ। ओके 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 जी, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। हाँ जी, रॉयल कंप्यूटर एजुकेशन, ये मैं पूछ रहा हूँ, पहले से बेटर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये पूछ रहा हूँ मैं। सही है सही है सही है सही है सही है, ये नहीं, आप ये बताइए पहले से सही है, पहले से खराब है, पहले जैसा ही है, बस ये बताइए ना। क्योंकि अगर पहले से बेटर है तो हम आगे से ब्राइटनेस बढ़ाएंगे ना, आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। सर पहले जैसा था वैसे स्क्रीन कर दीजिए जी। चलिए देखते हैं, 18 का आंसर आना स्टार्ट हो गया। अनिल कुमार, केवी शर्मा, रेनू शर्मा, रेनू रेनू की पिटाई होगी भैया, लेट आए आज शायद, लेट आए। जागवीर, फहमीदा, अनिल कुमार, दबंग, भूपेंद्र, जैन क्लब, वो हिंदी वाले मोटे अक्षर में थोड़े दिक्कत हो रही है। ओ जी, मुझे तो पीछे ले का अच्छा था जी। 18 का डी आंसर दे रहा है, बेटर है पहले से। ओके ओके सर जी, सर पहले भी स्क्रीन ठीक थी और अब भी ठीक है। ओके ओके ओके, 18 का डी आंसर दे रहे हैं भाई, डी आंसर। ए भी आंसर दे रहे हैं, हर्षित ने ए दिया है, अभिषेक ने ए दिया है। सर ब्राइटनेस मीडियम रखो। ओके सर, पहले से बेहतर है। 18 का डी आंसर आना स्टार्ट हो गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल सही आंसर 18 का डी है। और दोस्तों ब्राइटनेस मैं कम ही कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आंखों के अंदर, ब्राइटनेस ज़्यादा करने से थोड़ी मैं कम कर लेता हूँ, मीडियम कर लेता हूँ जी। अब सही है जी, इसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, A 4 आएगा, ए गलत है, आर सही है। कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण क्षमता है, ये बताइए। क्लास के अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन करना क्या नेचुरल है? क्या ये नेचुरल नहीं है दोस्तों? क्लास में गुड कम्युनिकेशन करने के लिए हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट भी लेके आना जरूरी है। तो ऑप्शन जो ए है वो रॉन्ग हो जाएगा और आर जो है वो बिल्कुल सही होगा।
कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन के बारे में हमें पता होना जरूरी है। ये नहीं है कम्युनिकेशन, ये नहीं है कि जन्म से ही हमारे अंदर बहुत अच्छा होता है, नहीं, हमें अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है। ओके 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 जी, कोई बात नहीं जी। रेणु शर्मा जी, सॉरी सर, हस्बैंड से बात कर रही, अब वो ठीक है। ओके जी, ओके रेणु शर्मा जी, मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम क्या है। कोई नहीं जी, आपके पति जो है वो जल्दी ठीक होंगे, हम सभी की दुआ है आपके। कोई नहीं जी, सब ठीक हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम बताइए दोस्तों, ये बताइए ये क्या होगा जी। एक्सप्लेन कर तो दिया कुमारी विनीता, कहाँ सो जाते हो क्या आप जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। किया है मैंने, अभी किया है जी, बताइए जी। 19 का बताइए, अरे 20 पे कैसे पहुंच गए गायत्री मंत्र, मंत्र मार के आगे पहुंच गए, फ्यूचर में पहुंच गए, पहले देख लिया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा है, आप तो बड़े ज्ञानी लग रहे हैं। 19 का आंसर शारदा गुप्ता ने भी दिया है, रेणु ने भी दिया है, फहमिदा, अनिल कुमार, सबरीन बानो, विनीता रानी, वीना। सर ये क्वेश्चन इंग्लिश में, हाँ, इंग्लिश में ना आयु, यो क्वेश्चन इंग्लिश में ना सा है जी। पहले क्या होगा, देखिए कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम बताइए। सबसे पहले ज्ञान, रुचि, मूल्यांकन, जागरूकता। पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें रुचि जागृत करनी पड़ेगी बच्चों के अंदर, पहले रुचि लेके आनी पड़ेगी, जागरूकता लेके आनी पड़ेगी। क्या लेके आना पड़ेगा, क्या होगा जी। मूल्यांकन आई थिंक लास्ट में आएगा जी। ए और बी आंसर आ रहा है, बी दे रहे हैं इसका आंसर, ए भी दे रहे हैं। कुमारी विनीता तो ओ आंसर दे रही है इसका, देख लो भाई, ओ ऑप्शन दिख रहा है किसी को, किसी को दिख रहा है क्या ओ। बी 100%। जागवीर सिंह सर, मैं खाना और क्लास साथ साथ कर रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है, खुद अकेला अकेले अकेले खाना खा रहे हैं, हमें नहीं पूछ रहे, बहुत ही गलत बात है ये आपकी जी। चलिए सर, आपको बोली अच्छी लगती है, सर आप बोली अच्छी लगती है, हाँ कभी कभी मैं कर देता हूँ गड़बड़ जी। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी आएगा जी, बी आएगा। सबसे पहले हमें जागरूकता लेके आनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में रुचि करनी पड़ेगी, फिर मूल्यांकन और फिर ज्ञान। देखिए कोई भी चीज है, सबसे पहले उसके अंदर क्या है कि हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, कोई जैसे किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, भाई दोस्तों आज हम ये करने वाले हैं और ये इसलिए जरूरी है, ऐसे है वैसे है। पहले हमें जागरूक करना पड़ेगा, उसके बाद में बच्चों के अंदर रुचि जागृत, रुचि लेके आनी पड़ेगी, उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा अलग अलग चीजों से। हो सकता है हम उसको डेमो दिखाएं बच्चों को, प्रैक्टिकल करवाएं, टीवी दिखाएं, कुछ भी करें, उनके अंदर रुचि जागृत करनी पड़ेगी। उसके बाद में मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कितना क्या ये सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद में उनको ज्ञान होगा। तो उसका राइट है दोस्तों, जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, ज्ञान। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन बता तो दिया, सुनते ही नहीं हो ध्यान से, अभी तो बताया था उनको, बताया था रश्मि कुमारी को, बताया था 25 क्वेश्चन है जी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण संप्रेषण में बाधक तत्व है, ये बताइए। ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कौन से है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की बात चल रही है दोस्तों यहाँ पे, भौतिक शोर, शब्दार्थिक शोर, मनोवैज्ञानिक और गैर शब्दार्थिक शोर, ये बताइए क्या आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है जी। आइए 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 दीजिए दोस्तों, जल्दी आंसर दीजिए इसका। रेनू, पूजा, अभिषेक, आकाश, फहमिदा, शारदा गुप्ता ने ए दिया इसका, नवीन, रश्मि, केवी, लिंगा, सुपीरिया, दबंग सर पता नहीं कहाँ वो बच्चा सिंह को पीट रहे हैं, कहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, दबंग जी, दबंग सर कहाँ है, बताइए आंसर बताइए, आपका वेट कर रहे हैं। रश्मि, हर्षिता, जागवीर, अरुण, मनोज कुमार, बी निशा मिश्रा, राजकुमार, राहुल, बी आंसर दिए है सभी दोस्तों ने, चंदा, सुरेश, चंद्र जायसवाल जी, बी आंसर दे रहे हैं। ओ ऑप्शन भी नहीं है, समझ में आ गया, इसलिए ओ लिखा है। ओके 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 जी।
चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आंसर है, और निशा मिश्रा को घूसा लगेगा भाई, इन्होंने सही आंसर नहीं दिया इसका। जी बी आंसर आएगा इसका। बी के अंदर क्या है, ए बी सी डी, गैर शब्दार्थिक शोर तो कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। बिना शब्दों के बैरियर क्या होता है, बिना शब्दों के तो कोई बैरियर होता नहीं है। भौतिक, भौतिक क्या होता है, फिजिकल बैरियर दोस्तों। अगर हम देखिए अब हम लाइव क्लास ले रहे हैं, अगर मेरे को ये स्क्रीन पे घूसा लग जाए, स्क्रीन गिर जाए, तो क्या है, क्लास खराब हो जाएगी हमारी, लाइव क्लास। तो ये क्या हो गया, हमारा फिजिकल बैरियर हो गया। शब्दार्थिक शोर, अगर मैं शब्दों को गलत बोलता हूं तो वो क्या होगा, शब्दार्थिक शोर। मनोवैज्ञानिक शोर क्या होगा, मैं कुछ बोल रहा हूं आप उसको गलत तरीके से समझ ले, वो क्या होगा, मनोवैज्ञानिक शोर होगा। तो ए बी सी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर नहीं होगा। मेरा गलत था, मैं ना गायत्री मंत्र आपको मंत्र मार के भस्म कर दूंगा। आगे बात समझ में, गलत कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे बात बनेगी, कैसे बनेगी ऐसे बात। अभी सर पे एग्जाम आए हुए हैं, आप गलत कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दबंग सर अब आए भाई, 20 का डी आंसर दिया इन्होंने। जी जैन क्लब, सुमी जैन बी दिया। सुमी आज लेट आए, सुमी मैं क्या करूं आपका, बताइए क्या करूं मैं आपका, तोड़ू मैं तुम्हें, कूट दूंगा मैं, पिटाई कर दूंगा मैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। हाय 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 जी। 21 में संप्रेषण के संदर्भ में सामान्य अनुक्रम क्या है, ये बताइए दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप समझेंगे ना तो बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या स्टेप होंगे, सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले भाषा आएगी या फिर समाज आएगा, क्या आएगा इसके अंदर। देखिए से भाषा है, भाषा को हम लैंग्वेज कहेंगे। संप्रेषण है, संप्रेषण को कम्युनिकेशन कहेंगे। समाज, समाज को सोसाइटी कहेंगे। सभ्यता, सभ्यता को हम क्या कहेंगे, सिविलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा सबसे पहले, क्या आएगा, भाषा आएगी। जी देखते हैं, गायत्री मंत्र ने है बी, कुमारी विनीता ने बी आंसर दिया है, अभिषेक फहमिदा वीना अरुण वंदना सुप्रिया, इंग्लिश में दिया करो सर जी। कई क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में नहीं होते, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। अंशु वर्मा, दीपशिखा, शारदा, धूपेंद्र, शोभना नारायण, आकाश, गायत्री, सुप्रिया, राहुल, पूजा, रेणु, मनोज, ईशा। अगर किसी का नाम नहीं ले रहा हूं ना तो बता दियो भाई, ठीक है ना, किसी का जो नाम ना लिया जा रहा हो बता दियो, नाम ले दूं यहाँ पे। सर मेरा एम का पेपर 15 से स्टार्ट हो रहा है, क्या हम पेपर नहीं दे पाएंगे नेट का। जी दे पाएंगे आप, दे पाएंगे जी। हिंदी में कुछ शब्द समझ नहीं आते, ओके सर आगे हम कोशिश करेंगे। जी 21 का सी आंसर ए सर, मनोरंजन भाई तेरा मैं ना मनोरंजन कर दूंगा, आगे ना समझ मैं। अरे भाई साहब, मनोरंजन भाई साहब, आप ती मैंने पहले भी बताया था एक बार, क्वेश्चन साथ में लिखा करो, क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन आंसर नंबर लिखा करो, ठीक है। मेरा नहीं ले रहे, अनिल कुमार मंडल। अरे भाई साहब क्या करूं आपका मैं। जी चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर ये दोस्तों, संप्रेषण, भाषा, समाज और सभ्यता। देखते हैं, मनोरंजन सर आपने गलत दिया है आंसर। जी सी आंसर बिल्कुल सही दिया है, और बी आंसर दिया है जागवीर ने, कुटाई होगी इनकी, कुटाई दूंगा मैं आपको। जी देखिए सबसे पहले क्या आएगा, कम्युनिकेशन आएगा दोस्तों। सबसे पहले कम्युनिकेशन आएगा, जब हमारा, जब मनुष्य ने जन्म लिया तो सबसे पहले भाषा तो नहीं आई ना, सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन आया। हम बातचीत करते थे, चाहे कैसे करते हो, इशारों से करते हो, चाहे कुछ ना कुछ आवाज निकाल के करते हो, कैसे भी करते हो, सबसे पहले कम्युनिकेशन आया। उसके बाद में लैंग्वेज आई, और उसके बाद में हमारा समाज आया, और उसके बाद में हमारी पूरी सभ्यता बनी। तो इसका राइट आंसर सी आएगा दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। सर ओनली गलत वालों का नाम लो, क्यों क्यों नहीं बोलोगे नाम लेने के लिए, कोई नहीं बोलेगा नाम लेने के लिए। ओके ओके ओके, गायत्री मंत्र जादू टोना जानते सर,
हाँ जादू टोना जानते हैं। मनोरंजन जी आप आंसर गलत दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये 21 का एक, कोई बात नहीं, आ जाएगा मनोरंजन सर को भी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन हाय ये देखिए यार कितना छोटा हो गया यार, ये तो बहुत छोटा हो गया। चलिए शायद कुछ तो दे आपको। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए दोस्तों। कथन क्या है, संप्रेषण सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सभी मानव व्यवहार को सम्मिलित नहीं करता, ये बताइए। ये देखिए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड ऑल ह्यूमन बिहेवियर ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन के लिए हम मनुष्य के सभी व्यवहार को इंक्लूड नहीं करते, ये कथन ए है इसका। जैन क्लब रोहतास जी, नाम दिल में होना चाहिए, नाम लेने से कुछ नहीं होता, हम स्टडी में अच्छे बनकर अपना नाम आपके दिल में छाप सकते हैं। जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही। नीतू सिंह, अंशु, अनिल कुमार, श्रुति, वीना, लिंगा सर, जागवीर, सबरिन, रश्मि, चंदा, पूनम, जी सभी ने इसका आंसर डी दिया। ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रहा है सर जी। ओहो पता नहीं क्यों हो रहा है, शायद आपके फोन की क्या कहते हैं बैटरी कम हो गई। जी चलिए इसका आंसर डी दे रहे हैं, देखिए इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। और इसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसका हाँ 4, ए गलत होगा और आर सही होगा। देखिए ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन के अंदर हम मनुष्य के सभी व्यवहारों को इंक्लूड नहीं करते, ये बात इसकी बिल्कुल गलत है। कम्युनिकेशन करने के लिए दोस्तों हम इशारे भी करते हैं, और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमने काफी तरह के कम्युनिकेशन किए थे ना, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और शाब्दिक है शाब्दिक कम्युनिकेशन, और जिसके अंदर हम इशारों से करते हैं, और गंध गंध से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसके अंदर सभी व्यवहार इंक्लूड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका अभी कथन ए, ये गलत होगा, इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ए गलत और आर सही। आज बहुत एजुटेनमेंट क्लास हो रहा है सर जी, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। दबंग सर भाई इसका डी दिया है जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर, बहुत अच्छे सर, बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ब्लॉग सोशल मीडिया का एक रूप है, ब्लॉग ब्लॉगिंग सीखते ना हम, सॉरी बोलते ना ब्लॉगिंग, ब्लॉग 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 सोशल मीडिया का एक रूप है। ब्लॉग के माध्यम से कोई व्यक्ति आम जनता से बात कर सकता है, बताइए क्या होगा। हाँ सर इतर का एग्जाम्पल दिया था वीडियो में, जी बिल्कुल सही सर, जी बिल्कुल सही याद आपको, बिल्कुल सही। 5 सेंस में स्किन से कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं सर, स्किन से ऐसे कर सकते हैं ना कि स्किन, अगर किसी की स्किन काली है, काली स्किन का कोई व्यक्ति आ जाए हमारे पास, काली स्किन के 4 व्यक्ति आ जाए, तो हम उसको देख के बता सकते हैं ना ये कहाँ से है, या फिर किसी स्किन के ऊपर कुछ बीमारी हुई हुई है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, उससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं दोस्तों, बहुत कम्युनिकेशन होता है स्किन से। अगर किसी की स्किन पे धब्बे पड़े हुए हैं तो उसको हम देख के बता सकते हैं भाई इसको क्या बीमारी है, स्किन से बहुत कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जी 23 का आंसर है शारदा गुप्ता, नीतू, मनोज, विनीता, चंदा, अंशु, श्रुति, श्रुति सिंह जी 23 का आंसर ए दे रहे हैं, सभी दोस्त ए आंसर दे रहे हैं, और सी आंसर आ गया, सुरेश चंद्र ने सी आंसर दिया है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर को पहचानना, जी बिल्कुल सही दोस्त। स्पर्श से भी बन बातें होती है, जी बिल्कुल सही, आपकी वॉइस से आप हरियाणवी हो, हाँ जी हूँ मैं हरियाणवी हूँ जी। 23 का आंसर सी और ए दे रहे हैं, जैन क्लब कमल राहुल ने ए आंसर दिया है, और विनोद ने सी दिया, ब्लॉग इज सोशल मीडिया। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, ए और जी बिल्कुल सही है, ए आंसर इसका सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही दोस्तों। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग सोशल मीडिया का एक रूप है, और इसमें हम एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों के साथ बातचीत कर सकता है, वो कोई पोस्ट लिखेगा और हजारों व्यक्तियों के पास पहुंचाएगा, और उसके बाद वो कमेंट बॉक्स के जरिए उनसे बात कर सकता है, जी बिल्कुल सही है। सर मेरी स्क्रीन में सभी के आंसर एक क्वेश्चन ज्यादा दिख रहा है, क्यों आंसर क्वेश्चन दिख रहे हैं जी, आप रोटेट करके देख रहे होंगे स्क्रीन को, क्या कहते हैं लैंडस्केप देख रहे होंगे स्क्रीन को, इसलिए आप सभी को
सभी के कमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। विनोद जी रोंग, हाँ विनोद जी तो मेरे को पता थे ये गलत दे रहे हैं, सी आंसर दिया इन्होंने, इनकी घुस पिटाई होनी चाहिए, पिटाई होनी चाहिए, और इनके तो ज्यादा सभी को मिलके पीटना चाहिए विनोद जी को, काफी इतने इतने पुराने हो सर आप हमारे साथ जुड़े हुए, आप गलत करेंगे तो क्या सीखेंगे बच्चे आपसे। जी चलिए, ब्लॉग से छत कैसे कर सकते हैं, चैट कैसे कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स का, चैट नहीं कर सकते, आजकल चैट का भी ऑप्शन आ गया है, आजकल चैट का भी ऑप्शन आ गया, चलिए उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ऑप्शन नंबर 4 का, 24 का आंसर दीजिए, और ये थोड़ा आउट ऑफ सेवस आंसर दिया है, मैं इसको नहीं मानता, यूजीसी ने सही आंसर दिया लेकिन यूजीसी ने दिया है दोस्तों यूजीसी। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने हमारा पेड कोर्स लिया हुआ है या फ्री लिया है, जो भी है हमारे साथ जुड़े हुए, हमने 90% सिलेबस कवर करवा दिया, 90% सिलेबस कवर करवा दिया है, नोट्स के जरिए, वीडियो के जरिए, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर के जरिए। 10% की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 10% की कमी कहाँ पे है, 10% वाले क्वेश्चन ये है दोस्तों। अब ये बताइए ये कहाँ पे, कौन से सिलेबस में कहाँ पे है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, यूजीसी कहाँ से कौन सा क्वेश्चन देगा। 10% के अंदर हम बात करते हैं उसकी, क्या कहते हैं, अनसीज पैसेज की बात कहते हैं, वो हमें नहीं पता कहाँ से क्या दे दे, ठीक है। तो 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि यूजीसी 10% जो क्वेश्चन है वो कहाँ से देगा, उसके आउट ऑफ सिलेबस हम कह सकते हैं वो। जी फिर भी मेरी शिफ्ट में आया ये क्वेश्चन, जी आया था, आया था जी। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसके लिए सर जय माता दी, हाँ, आकाश जी बिल्कुल सही जी, फिर भी हमें सोच के समझ के आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए, और बिल्कुल सही है, इसका आंसर नंबर 4 है दोस्तों, ल्यूमियर ब्रदर्स जी मार्को ने ली फॉरेस्ट जान। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर रियल में बता रहा हूँ, अगर मेरे से भी पूछा जाए तो मैं इसका आंसर नहीं बता सकता, मैं भी क्या कहूँगा जय माता दी, है ना। तो कई क्वेश्चन होते हैं ऐसे एग्जाम के अंदर जिनमें हमें जय माता दी बोलना पड़ता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, और इसके बाद में एक हेल्प चाहिए दोस्तों, मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए, 51 दोस्त ऑनलाइन है, 51 दोस्त ऑनलाइन है दोस्तों, हमने एक फीडबैक फॉर्म दिया था आप सभी को, अगर किसी दोस्त ने वो फॉर्म नहीं भरा, हम एक सर्वे कर रहे हैं रिसर्च के लिए, रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ उसके लिए, अगर किसी ने वो फॉर्म नहीं भरा है तो आप प्लीज 2 मिनट का टाइम निकालना और वो फॉर्म जरूर भरना, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 20 20 सर्वे और चाहिए उसके अंदर, टोटल 80 हो गए, हमें टोटल चाहिए 100 चाहिए, तो 20 की कमी है दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है 2 मिनट का टाइम निकालना और उस फॉर्म को जरूर भरना, लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जी जी 25 का आंसर ए दे रहे हैं, सोमी, जागवीर, पूजा, चंदा, के बी, रश्मि, मनोज, आई हैव ऑलरेडी डन फीडबैक फॉर्म, मनोज कुमार जी, मनोज यादव जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी जी थैंक यू जी, जिन्होंने पहले से भरा हुआ है। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा। जी इसका आंसर ए है दोस्तों, बिल्कुल सही है, और मैं ये देख रहा हूँ गलत किसी ने आंसर दिया है, गलत किसी ने आंसर नहीं दिया है, किसी ने भी इसका आंसर गलत नहीं दिया है जी, बिल्कुल सही। इसमें उस संवाद की पहचान कीजिए जो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वैध है, जिसको हम एज ए एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, किसको, लिखित, कोई भी चीज लिखित है उसको हम आगे आने वाले टाइम में एज ए प्रूफ यूज कर सकते हैं, एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही है। एज लिमिट कर दिया है सर इस सर्वे में, आप एज लिमिट कर दिया है, कोई नहीं सर, अगर आप 35 से ज्यादा है तो आप 35 वाला ही सेट कर सकते हैं उसके अंदर। जी चलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने बहुत ही अच्छा लाइव मॉक टेस्ट दिया, और मेरे को लग रहा है आप सभी का नेट और जेआरएफ होगा क्योंकि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, कई दोस्त गड़बड़ी भी करें उनको घूंसा लगाने का मन करता है, तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ कि आप सभी का नेट और जेआरएफ जरूर होगा। तो आज के
नहीं दोस्तों, और अगर किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या कहें आपको, बस यही कहना चाहूँगा। और बस 2 मिनट का टाइम ज़रूर निकाल के वो फॉर्म ज़रूर भरना दोस्तों, सर्वे ज़रूर भरना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।